So guys, Marian Andres is back. From Spiti Valley, Ladakh, Manali, North India. North India. Yeah. One more message, can I say? Sure. Maybe we can add the link to the description of this video, so you guys can see all the description of the bike and the accessories. It was a video that we made before our trip. I think that can help you see everything that is included with the bike. Himalayan Scram कुछ इस तरीके की भी ये भाई तैयार करवा सकता है हमसे. मतलब इसने ना सुबह से आके एक एक चीज के ऊपर गौर करके गाड़ी रेडी कराई है. शुभ नाम? अनुराग तिवारी. अनुराग तिवारी. तिवारी तो वाकई में भाई कमाल होते हैं सारे के सारे. भाई दिल्ली का कड़क लूंडा है. और उसके बाद एक बार भाई डिक्की आप खुद दिखाइए जगह. चाबी आप ही के पास है. ये आई चाबी प्लस ये आपका 45 लीटर का स्पेस है इसमें हमें मिलता है. और इसके अंदर ब्रेक भी जल जाती है. हाँ, टेल लाइट है और रिफ्लेक्टर्स है. ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टर है. टचवुड, मैंने जितनी वीडियोस देखी है अब तक, देखी थी, सुनी थी, बट आने के बाद मेरे को समझ आया कि हाँ, डिटेलिंग काम होता है. कि बुलेट उसके पास हो जिसके पास अपनी नॉलेज भी होगी. बुलेट रखी कैसे जाती है? हेलो ऑल वर्ल्ड फैमिली, मैं हूं अपने कमल आरन. सभी भाइयों को राम राम. अस्सलाम वालेकुम. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. जय जवान, जय किसान, जय भोलेनाथ की. चिंता नहीं किसी बात की. हिमालयन स्क्रैम कुछ इस तरीके की भी ये भाई तैयार करवा सकता है हमसे. मतलब इसने ना सुबह से आके एक एक चीज के ऊपर गौर करके गाड़ी रेडी कराई है. शुभ नाम? अनुराग तिवारी. अनुराग तिवारी. तिवारी तो वाकई में भाई कमाल होते हैं सारे के सारे. भाई दिल्ली का कड़क लूंडा है. और क्या क्या करवाए भाई, आप ही बताओ. भाई आपके यहाँ से मैंने एक टॉप बॉक्स लगवाया है जी. सैडल स्टे लगाए हैं जी. प्लस मैंने यहाँ पे अपना, अगर आप सामने देखोगे जी, तो हेडलाइट ग्रिल जी. प्लस फॉग लैम्प जी. और आपका ये क्या कहते हैं इसे, डिस्क ब्रेक ऑयल डिस्पेंसर जो होता है उसकी कैप लगवाई है लिट वाली. और फॉग लाइट के साथ फॉग लाइट के क्लैंप भी लगे हुए स्क्रैम. एग्जैक्टली. और साथ में ये हेडलाइट की जो ग्रिल है, ये बड़ी शानदार लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है. और छोटी छोटी अटैचमेंट्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ऑयल कैप है यहाँ पे. आप अगर साइड स्टैंड की कैप देखेंगे वो भी लगी हुई है इस साइड पे. साइड स्टैंड एक्सटेंडर कहेंगे हम इसको. साइड स्टैंड एक्सटेंडर जो है ये लगाया हुआ है. ये लगा हुआ है जी. और सैडल स्टेज लगाई है. कल को पैनियर लगाने हैं हमने. हाँ. तो इसके अंदर हम पैनियर लगा सकते हैं. और उसके बाद एक बार भाई डिक्की आप खुद दिखाइए जगह. चाबी आप ही के पास है. ये आई चाबी प्लस ये आपका 45 लीटर का स्पेस है इसमें हमें मिलता है. और इसके अंदर ब्रेक भी जल जाती है. हाँ, टेल लाइट है और रिफ्लेक्टर्स है. ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टर है. अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर लाइट पड़ते ये रिफ्लेक्ट करते हैं. प्लस अपने ब्रेक लाइट है. और लेमिनेशन भी हुई है. हाँ, पूरी गाड़ी लेमिनेशन हुई है, मैट लेमिनेशन, ताकि कोई दाग वाग ना लगे. बट उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट चीज़ थी ना इसकी पार्ट, मेरे को इनकी सर्विसिंग लगी, जो मेरे को पसंद आया कि काम करने का तरीका एकदम फिनिशिंग है. और टचवुड, मैंने जितनी वीडियोस देखी है अब तक, देखी थी, सुनी थी, बट आने के बाद मेरे को समझ आया कि हाँ, डिटेलिंग काम होता है, तो बेस्ट है. मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये कुछ तिवारी साहब अपने बारे में बताएंगे. आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं बेसिकली एडवर्टाइजमेंट फर्म का बंदा हूँ. मैं ऑपरेशनली काम करता हूँ. और जो मेरी साथ साथ हॉबी है राइडिंग, उसके लिए मैंने ये खरीदी है अभी अपनी पर्सनली. और इससे मैं थोड़े बहुत राइड कर चुका हूँ. मेरा खुद का चैनल भी है यूट्यूब पे. चैनल का नाम भी बताइए. Team80. और इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल Team80 करके है. मैं छोटी मोटी रील्स बनाता हूँ, उसके अलावा अपनी मिनी ब्लॉग्स डालता हूँ. भाई की पर्सनैलिटी से पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर चल रहा है. और जिस तरीके से इन्होंने जो नॉलेज है, मैं जैसे इंसान चाहता हूँ ना कि बुलेट उसके पास हो जिसके पास अपनी नॉलेज भी होगी. बुलेट रखी कैसे जाती है तिवारी साहब, मैं इस चीज़ के लिए. तो भाई को एक एक चीज़ की नॉलेज है कि बुलेट रखी कैसे जाती है, बुलेट को मेंटेन कैसे किया जाता है, क्या कमियाँ होती हैं, किस तरीके से वो कमियाँ ठीक की जाती हैं. तो तिवारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चुना. आपने अपनी समय दिया उसका. नहीं नहीं, अरे भाई भाई, रात के 10:30 बज रहे हैं और हम भाई के लिए काम कर रहे हैं. अभी हमने एक इनसे प्रॉमिस किया है कि टॉप बॉक्स हल्का सा पीछे करना है. तो जब नेक्स्ट विजिट होगी भाई की हमारे साथ, जब हम बैठ के चाय पियेंगे, तो मैं जरूर इनका जो टॉप बॉक्स है हल्का सा पीछे करूंगा. थैंक यू वेरी मच. सो गाइस, मारियन एंड्रेस इज बैक फ्रॉम स्पीति वैली, लद्दाख, मनाली, नॉर्थ इंडिया. And how was your experience in India, in mountains, heaven on earth, I think, according to me. I don't know what about it. Yeah, it was heaven on earth. We did around 4,000 kilometers. Mm. Beautiful mountains, landscapes, valleys, food, people. Mm. We went through high passes, really cold places. Mm. Yeah. And as well, warm, off-road. A little bit of off-road. That's right.
water crossing. First of all, that the Himalayan was the perfect bike for us. Okay, Himalayan is perfect. Yeah, because the roads in India sometimes are wild. You can find holes, you can find off-road, and the Himalayan was performing greatly. You know, we went through the roads in the mountains smoothly, and it also receives really well any holes or things that comes into the... Any bumps. And what about you? You said behind. Yeah, I was behind. It was almost a month on a trip. And we spent long hours driving, so I was in the bike for maybe 6, 7, even 8 hours, and I was very comfortable. I had the back support all the time, so that really helped me a lot. And yeah, I enjoyed the views. I enjoyed riding in the bike. It was comfortable and a very nice experience. Great. How many kilometers? 4,150. And you bought new one bike? Yeah, we got it new. So, dosto, bilkul brand new bike hai. एंड्रिड्स की और हिमालया की सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, हिमालयन है, और सबसे बड़ी बात है कि 63,000 की एक्सेसरीज उसके ऊपर लगी हुई है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है और सिर्फ 4000 चली है। नेविगेशन वाली बाइक, उसकी भी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड्रिड्स, हाउ मच योर बाइक? एक्चुअली आई हैव कस्टमर्स फॉर योर बाइक, सो यू टेल व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। वेल वी पेड समथिंग अराउंड 3 lakh, yes, 23,000, 26,000. We get a lot including of accessories, accessories. Yeah, including accessories. Yeah. So we're hoping to get somewhere around 2,60,000 rupees, somewhere around that, because we think it's a fair price. So guys, agar aapko inki Himalayan leni hai, to near about bhai aur bachpan ke beech mein mil jayegi, jiski is samay on road costing 2,65,000 ki hai. नेविगेशन वाली बाइक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये अपने बुलेट से ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि कोई अपने, आप देख रहे हैं ना किस पोजीशन में खड़े हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, अपने गर्लफ्रेंड से। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। जिसको लेनी है ये हिमालयन, वो 9910115061 पे कॉन्टेक्ट कर ले मिस्टर रिंकू, उसको रिप्लाई करेंगे। वन मोर मैसेज, कैन आई से? श्योर। मे बी वी कैन ऐड द लिंक टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो यू गाइस कैन सी ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाइक एंड द एक्सेसरीज। इट वाज अ वीडियो दैट वी मेड बिफोर आवर ट्रिप, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प यू सी एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड विद द बाइक। थैंक्स टू एंड्रेस। थैंक यू। God bless you. Thanks, God bless you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. You too. Yeah.